हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनील यादव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरबा के कनकी में स्थित कनकेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में अनसुने रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। कोरबा जिले में हसदेव नदी के तट पर कनकी नाम का एक छोटा सा गांव है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर कनकी का कनकेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे चकेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। कनकी रायपुर से 197 किलोमीटर की दूरी पर कोरबा जिले में स्थित है। दोस्तों, मान्यता है कि एक गाय रोज वहां जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी। ऐसा करने पर ग्वाले ने एक दिन उसे देख लिया। गुस्से में उसने जहाँ दूध गिर रहा था वहाँ डंडे से प्रहार कर दिया। जैसे ही उसने डंडा मारा, कुछ दूर टूटने की आवाज़ आई और कनकी चावल के टुकड़े के दाने वहाँ बिखर गए। उस जगह की सफाई करने पर वहाँ एक टूटा हुआ शिवलिंग मिला। बाद में इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया, जहाँ गांव भी बस गया। उन्होंने बताया कि शिवलिंग के पास कनकी के दाने पड़े होने के कारण मंदिर का नाम कनकेश्वर महादेव रखा गया, जिसका नाम कनकी रखा गया। हर साल यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। सावन महीने के मास पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है तथा महाशिवरात्रि पर और मेला लगता रहता है, जो कि यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ गर्भगृह के बाहर में साइड में एक मंदिर है, जिसे चकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग अपनी स्थिरता के अलावा चारों दिशा में घूमती हैं, जिसके कारण इसे चकेश्वर महादेव कहते हैं, जो कि चारों तरफ आप घुमा सकते हैं शिवलिंग को। और इसके अलावा यहाँ कई सारे मंदिर भी हैं, शंकर जी के अनेक मूर्ति हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों हर साल मेला लगता है। दोस्तों, इस जगह को प्रवासी पक्षी ग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की ओर से यहाँ अनेक प्रजाति के पक्षी आते हैं, जो मानसून की खुशखबरी कहा जाता है एक प्रकार से। जब वो आते हैं तो मानसून की खबर लेके आते हैं, जिससे अच्छी बारिश होने की संभावना होती है। इसलिए इसे प्रवासी पक्षी ग्राम भी कहा जाता है, जो कि दोस्तों इस मंदिर से लगा हुआ 1 किलोमीटर की दूरी पर हसदेव नदी का तट स्थित है, जहाँ आप जाकर जल भर सकते हैं और नहा भी सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाने पर। दोस्तों, इस मंदिर में श्रावण मास में काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। बाकी खाली दिनों में आपको दर्शन तो तुरंत मिल जाएगा, पर श्रावण मास में कतारबद्ध तरीके से आपको दर्शन करने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह शिवलिंग आप देख रहे हैं, यह पहले ऐसा नहीं था। पहले इस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते तो पूरा जल नीचे तक जाता था। धीरे धीरे इस शिवलिंग झरन होने के कारण यहाँ चांदी का कवच चढ़ा दिया गया, जिस कारण से शिवलिंग का रूप थोड़ा बदला हुआ नज़र आता है, जो कि शिवलिंग की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप 12 महीने आ सकते हैं, पर सावन मास पे यहाँ स्पेशल मेला लगा रहता है, जो कि काफ़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, यह मंदिर कोरबा मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह कोरबा से बलौदा जाने वाले मार्ग पर बढ़ता है, जहाँ से अंदर कनकी ग्राम के लिए रास्ता कटा हुआ है, जहाँ से इस मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। इसके बाद आप मंदिर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, ये मेरा वॉइस और ब्लॉग आपको कैसा लगा कनकी कनकेश्वर महादेव मंदिर का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे अच्छा वीडियो बना सकें। तो कमेंट करके आप बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।